अभी कुछ दिनों पहले हमने ये कहा कि यार शहर से जैसे लगता है कि मेयर गायब हो गई, तो मेयर कल के दिन हाजिर हुई, डिपार्टमेंट की कुछ मीटिंग हुई और मीडिया के सामने आए, मगर ऐसा लग रहा था कि मेयर और बरसरे इक्तदार माजी आमदार शेख रशीद साहब जी बिल्कुल बेबस हो गए हैं, और ये इक्तदार में नहीं है बल्कि अपोजिशन में है, इस तरह की बात की जा रही थी कि डायरिया का जोर बढ़ रहा है, हम क्या कर सकते, चार साल से नाले भरे हुए हैं, हम क्या करें, जो मलेरिया के लिए जो दवाई होना चाहिए वो ठेकेदार एक दूसरे के भाई, इस तरह की बात की जा रही थी, जो बिल्कुल इक्तदार में रहने के काबिल ये लोग नहीं हैं, ये उनकी ही बात से साबित हो गई। और अगर शहर इनसे नहीं संभल रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि मेयर ने इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भी महागठबंधन शहर को संभालने की ताकत रखती है, काबिलियत रखती है। डायरिया के ताल्लुक से बरसरे इक्तदार और प्रशासन जानबूझ के ढिलंगी कर रहा है। हमारे यहाँ दो फिल्टर प्लांट है, और कल जब ये बात समझी कि अब बच्चों में भी फैल रहा है, तो उसकी इंक्वायरी में जब गए तो हैरत अंगेज इंकशाफ ये हुआ कि जो 38 MLD का हमारा फिल्टर प्लांट है ATT के सामने, वहाँ पर फिलहाल कोई मसला नज़र नहीं आता, मगर 15 दिन से वहाँ की कोई रिपोर्ट भी पानी की नहीं मिली है। उसके बाद 71 MLD पानी जो साइना से फिल्टर होता है, वहाँ पर पिछले एक महीने से खतरनाक बातें हो रही है, जिस पे बरसरे इक्तदार कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। वहाँ पे क्लोरीन के 4 पॉइंट है, जो उसकी क्षमता है, जो उसका मतलब पानी जितना फिल्टर होना चाहिए उसके लिए 4 पॉइंट क्लोरीन गैस के वहाँ लगाए गए हैं, जो एक महीने से 2 पॉइंट बंद है, और सिर्फ 2 पॉइंट से ही क्लोरीन गैस पानी में डालकर फिल्टर किया जा रहा है। आप समझ लो कि आधा क्लोरीन ही डाला जा रहा है। ये एक जो पहला हमको मालूमात मिली कि यार ये एक गड़बड़ एक महीने से चल रही है, जिस पे अभी तक कॉरपोरेशन और बरसरे इक्तदार तवज्जो नहीं दी। दूसरा ये कि सॉलिड अलार्म, जो फिटकरी से पानी को साफ किया जाता, जो नीचे उसके बैक्टीरिया और वो सब मारे जाते हैं, वो पाइप भी ब्लॉक है। इतनी बड़ी चूक महानगर पालिका में हो रही है, और उसके ऊपर कोई तवज्जो कॉरपोरेशन की नहीं है, ना ही इक्तदार में बैठे हुए लोगों की है। तो फिर ये इक्तदार में क्यों बैठे हैं, जब लोगों को पानी पीने का नहीं दे सकते एक महीने से, अगर वहाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम फौरन हल होना चाहिए था। और मैं आज जब इसकी रिपोर्ट पानी की मांगने के लिए कोशिश किया, तो अभी तक मुझे उसकी रिपोर्ट ये 15 दिन की नहीं मिली, पिछली रिपोर्ट मिली, मगर ये 15 दिन और एक महीने की रिपोर्ट जानबूझ के छुपाई जा रही है, मेरी ऐसी मालूमात है। और जब मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया तो ये बोल दिया गया कि यार वो पाटिल साहब ही छुट्टी पर चले गए, जबकि उनका रिकॉर्ड आज छुट्टी पे जाने का नहीं था, मगर अचानक मैं उनसे रابطہ जब सुबह से शुरू किया तो अचानक बोला गया कि यार वो छुट्टी पे चले गए। वो तो कमिश्नर से हम बात करेंगे, और आज शाम में ही कमिश्नर से बात करके कल कमिश्नर को बोला जाएगा कि वो पहले चल के साइना फिल्टर प्लांट पर आएँ, और वहाँ पर अगर ये फॉल्ट है तो इसमें किसकी किसकी गलती है, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो रही है कि लोगों की जान और उसके ताल्लुक से कॉरपोरेशन फिक्र नहीं कर पा रही, उनको बुनियादी सहूलत नहीं दे पा रही है। करोड़ों के मामलात होने के बाद भी ठेके की अगर जब बात आ जाती है तो वहाँ पे बरसरे इक्तदार की भी पूरी तवज्जो होती है, अधिकारी लोगों की भी पूरी तवज्जो होती है, मगर इतना बड़ा मामला के वहाँ पर जो फॉल्ट हो गए हैं उनको एक महीने से दुरुस्त नहीं किया गया, और इसकी रिपोर्ट के लिए कल कमिश्नर का दौरा कराएंगे। अगर कमिश्नर ने कल दौरा नहीं किया तो हम महागठबंधन की तरफ से वहाँ दौरा करेंगे, और उसके बाद आकर अगर वो फॉल्ट वहाँ पर है तो कमिश्नर की ऑफिस का घेराव करेंगे, क्योंकि लोगों की जान से बढ़कर हमारी नज़र में कोई चीज़ नहीं है, और पीने का साफ पानी मिलना ये हर मालेगांव शहर का बुनियादी हक है। और हम इसीलिए हमेशा से बोलते हैं कि तलवाड़ा का जो पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाया जाए। आज हमारी वजह से अभी पहले 12 MLD आता था, अभी 16 MLD हुआ ऐसा बोला गया, हम उसमें मुसलसल लगे हैं, मगर ये भी शहर के सामने साफ होना चाहिए कि जो तलवाड़ा के साथ खेल खेला जा रहा है, अगर आज तलवाड़ा का पानी चला गया और हम सिर्फ गिरना डैम पे रह गए तो हमारा हाल क्या होगा। गिरना डैम के पानी में इतने बड़े बड़े फॉल्ट हो जाते, उस पर कोई तवज्जो नहीं देती।
मेयर एकदम बेबस और लाचार हो चुके हैं। महागठबंधन आज भी तैयार है, अगर वो इस्तीफा दे दें, उनसे नहीं कॉरपोरेशन संभल रही है तो हम संभालने तैयार है, नहीं तो जो हालात उनके दिख रहे हैं, जिस तरह से वो बेबसी कर रहे हैं, आगे वाले आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में महागठबंधन पूरी ताकत से कॉरपोरेशन में आएगा और इक्तदार आवाम के लिए अपने हाथ में लेगा।